तो कल हम पढ़े थे कंप्यूटर किसे कहते हैं कंप्यूटर का बेसिक फंक्शंस जैसे कि इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट हार्डवेयर किसे कहते हैं सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं आप सबको याद है हार्डवेयर को कितने कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है और इनपुट डिवाइस मेन मेन इनपुट डिवाइस क्या क्या है कीबोर्ड और माउस कीबोर्ड और माउस के बारे में भी हम कल, कल पढ़े थे आज हम पढ़ेंगे माइक्रोफोन माइक्रोफोन रिकॉर्ड्स वॉइसेस सॉन्ग्स एंड म्यूजिक इन द कंप्यूटर्स मेमोरी माइक्रोफोन क्या करता है हमारे कंप्यूटर कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए हमको अगर कुछ गाना स्टोर करना हो या कुछ हमारा वॉइसेस खुद का वॉइस स्टोर करना हो तो हम माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसको हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में रख सकते हैं खुद का वॉयस भी रिकॉर्ड करके और सॉन्ग्स भी रिकॉर्ड करके ठीक है यहाँ पर देखो आपको दिया गया है एक मेमोराइज करने के लिए क्रिस्टोफर लाथम सोल्स कीबोर्ड इज बेस्ट ऑन द क्वर्टी लेआउट डिजाइन बाय द इन्वेंटर ऑफ द टाइप राइटर क्रिस्टोफर लाथम सोल्स हम कीबोर्ड के बारे में पढ़े थे ये जो क्रिस्टोफर लाथम सोल्स हैं ये एक तो इन्वेंट करे थे टाइप राइटर और उन्हीं उन्होंने उन, जो इन्वेंट किया था वो कौन से लेआउट के ऊपर बेस्ट था क्वर्टी लेआउट और ये ये क्वार्टी लेआउट हमारे कीबोर्ड में भी होता है ठीक है देखो नेक्स्ट स्कैनर स्कैनर इज ए डिवाइस दैट रीड्स और कॉपीज इन्फॉर्मेशन और इमेजेस इन टू ए कंप्यूटर स्कैनर्स आर थ्री टाइप स्कैनर क्या करता है हम हमको अगर कोई कॉपी हो या कुछ फोटो हो मतलब कुछ पेपर हो उसको कंप्यूटर में एक एक्टू पिक्चर बना के रखना है तो हम उसको क्या करेंगे स्कैनर के थ्रू हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रख सक रख सकते हैं जैसे कि ये पेज जो पेज नहीं दिया है इसका एक तो ये पेज का फोटो निकालना है उसको हम स्कैनर के ऊपर रख देंगे और स्कैन करके इस इस पेज का एक तो फोटो हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं ठीक है स्कैनर कितने टाइप्स के होते हैं थ्री टाइप्स क्या क्या फ्लैटबर्ड स्कैनर्स सीट सीटफेड स्कैनर एंड हैंडहेल्ड स्कैनर्स आप लोगों को समझ में आ रहा है देखो जॉयस्टिक जॉयस्टिक इज यूज टू प्ले गेम्स एंड इट अलाउज द यूजर टू मूव क्विकली इन ए computer गेम इन ऑल द 360 सिक्सटी जॉयस्टिक को कौन से काम में इस्तेमाल किया जाता है हम जो वीडियो गेम्स खेलते हैं कंप्यूटर में उसी काम में इस्तेमाल किया जाता है और इसे हम पूरा कोई भी डायरेक्शन में 360 डिग्री तक भी घुमा सकते हैं कोई भी डायरेक्शन में ठीक है नेक्स्ट देखो टॉर्चपैड टॉर्चपेड किसे कहते हैं ये देखो टॉर्चपेड का पिक्चर दिया गया है टॉच पेड अलाउज द यूजर टू मूव फिंगर एक्रॉस ए पैड एंड प्रेस टू क्लिक इट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ़ ए माउस ऑन द लैपटॉप कंप्यूटर्स टॉर्चपेड क्या करता है हम उसके ऊपर फिंगर भी घुमा सकते हैं और इस और इसे हम माउस की जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिजिटल कैमरा डिजिटल कैमरा रिकॉर्ड्स इमेजेस इन ए कंप्यूटर इट टेक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इंस्टेड ऑफ ए फिल्म इट इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग डिजिटल कैमरा में हम क्या करते हैं फोटो खींचते हैं आप सबको आप सब कैमरा तो देखे होंगे ये देखो कैमरा दिया है यहाँ पे डिजिटल कैमरा का पिक्चर डिजिटल कैमरा क्या करता है हमारा इमेजेस क्लिक करता है कैप्चर करता है और वीडियो भी कैप्चर कर सकते हैं हम इससे क्या कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं वेब कैमरा वेब कैमरा इज ए वीडियो कैमरा दैट फीड्स अ स्ट्रीम इट्स इमेज इन ए रियल टाइम टू और थ्रो ए कंप्यूटर टू कंप्यूटर नेटवर्क इट इज यूज्ड टू शेयर पिक्चर्स विद आवर फ्रेंड्स यूजिंग इंटरनेट वेब कैमरा एक वीडियो कैमरा है देखो वे वेब कैमरा का पिक्चर दिया गया है इसे हम कंप्यूटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं वेब कैमरा एक ऐसा कैमरा है वीडियो कैमरा है जिससे कि वीडियो दिखाई देता है ठीक है और एक कंप्यूटर में अगर कोई बैठा है तो दूसरे कंप्यूटर में हम उसको देख सकते हैं जैसे कि वीडियो कॉल नहीं बोलते क्या उससे हम वेब कैमरा से हमारा वीडियो कॉल हो सकता है और इससे हम हमारे इट इज़ यूज टू शेयर पिक्चर्स विथ आवर फ्रेंड्स यूजिंग इंटरनेट और इसके थ्रू हम हम अपने दोस्तों के साथ पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं नेक्स्ट देखो हम पढ़े थे इनपुट डिवाइसेस प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या आया माउस कीबोर्ड माइक्रोफोन स्कैनर जॉयस्टिक और और पैड डिजिटल कैमरा एंड वेब कैमरा अभी हम पढ़ेंगे क्या प्रोसेसिंग डिवाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू सीपीयू का फुल फॉर्म आप सब लोग को पता है क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इट्स कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इट कंट्रोल्स द कंप्यूटर सिस्टम एंड स्टोर ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इट डज कालकुलेशन एंड डिसप्लेस रिजल्ट ऑन द मोनिटर स्क्रीन इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सी पी यू बॉक्स कंप्यूटर डज ऑल द वर्क थ्रू द सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये जो सीपीयू है इसको हमारा कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है हमारा कंप्यूटर का जितना भी सिस्टम है कोई भी काम हो ये कौन कंट्रोल करता है सीपीयू कंट्रोल करता है ठीक है और इसके अंदर हम बहुत सारे डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं ये बहुत सारे टाइप्स का कैलकुलेशन भी करता है ठीक है और कैलकुलेशन करके हमको हमारे मॉनिटर के स्क्रीन पे रिजल्ट दिखाता है सीपीयू कंटेंट्स थ्री मेन कंपोनेंट्स सीपीयू का थ्री मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है मेमोरी यूनिट कंट्रोल यूनिट एंड एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये सारा फॉर्म आप लोग याद रखो एम यू एम यू का फुल फॉर्म क्या है मेमोरी यूनिट सी यू का फॉर्म है कंट्रोल यूनिट एंड ए एल यू का फुल फॉर्म क्या है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये सारा आपको याद रखना होगा देखो मेमोरी यूनिट इट हेल्प्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड डाटा टेम्पोरारी और परमानेंटली इन टू द कंप्यूटर या क्या क्या करता है हमारा कोई डाटा और इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना हो तो हम इसे टेम्पोरारी मतलब कुछ दिनों के लिए और परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए भी इसको स्टोर करके हमारे कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं और कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने के लिए रखने के लिए कौन मदद करता है मेमोरी यूनिट ठीक है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जैसे कि ए एल यू इट हेल्प्स टू परफॉर्म्स ऑल द arithmetical calculations लाइक like addition subtraction multiplication division एंड लॉजिकल ऑपरेशन एल यू क्या करता है हमारे कंप्यूटर में कैलकुलेशन करने में मदद करता है जैसे कि हम कोई कैलकुलेशन करेंगे कोई भी कैलकुलेशन हो एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो मल्टीप्लीकेशन डिविजन और कोई भी लॉजिकल कालकुलेशन हो हम एल यू के मदद से हमारे कंप्यूटर में कैलकुलेशन कर सकते हैं नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट सी यू सी का फुल फॉर्म क्या है कंट्रोल यूनिट इट कंट्रोल्स द कंप्यूटर एंड मैनेजेस ऑल द ऑपरेशन इट वर्क्स लाइक ए कंट्रोलर ऑफ प्रोसेसिंग ये क्या करता है हमारा सी का जो कंट्रोल करता है ये कंट्रोल करता है ठीक है और हमारा सारा ऑपरेशन हम जो सारे काम करते हैं इसको भी कंट्रोल करता है इट वर्क्स लाइक ए कंट्रोलर ऑफ प्रोसेस ये हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसका कंट्रोलर के हिसाब में भी काम करता है आप लोगों को समझ में आया इनपुट डिवाइसेस के बारे में जो जो भी पढ़े और प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू को क्या कहा जाता है कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है और सीपीयू का कितने तो कंपोनेंट्स हैं मेमोरी थ्री तो कंपोनेंट्स हैं और क्या क्या है मेमोरी यूनिट कंट्रोल यूनिट एंड एरिथमेटिक लॉजिक एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में ठीक है